हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेम्बरेसर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, है ना। चैप्टर नंबर 2 क्या है हमारे पास, चैप्टर नंबर 2 क्या पढ़ रहे थे हम, पॉलिनोमियल्स, बहुपद। ठीक है, बहुपद का हम एक्सरसाइज 2.3 के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं बच्चों। और 3.2 में क्या दिया गया हमारे पास कि शेषफल प्रमेय, हमें इस 3.2 में शेषफल प्रमेय के ऊपर चर्चा करनी है। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय क्या है इस पर चर्चा करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको थ्योरी नहीं बताऊँगा, मैं इसका मैथमेटिकल अप्रोच लूँगा। ठीक है, मैथमेटिकली समझो तो आपको क्लियर हो पाएगा। अगर मैं थ्योरी समझाऊँगा ना तो थ्योरी में कुछ भी आपको शेषफल प्रमेय नहीं समझ में आएगा। तो शेषफल प्रमेय एक्चुअल है क्या, देखो नाम से समझ में आ रहा है, शेषफल है ना। शेषफल का मतलब क्या हो रहा है कि जिसमें शेष बचे, है ना। शेषफल प्रमेय शेषफल कब बचता है, जब हम भाग देते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो देखिए, यदि मैं मान लूँ, पहली बात मैं मानता हूँ कि मेरे पास कोई संख्या है, अगर मान के चलो संख्या 15 और मैंने कोई लिया संख्या 6, मेरे पास ये संख्या हो गई, मेरे पास संख्या क्या हो गई 15 और 6 हो गई। अगर मैं क्या बोलता हूँ कि इस 15 में 6 का भाग दे देता हूँ, देखो ना 15 में मैं किसका भाग दे रहा हूँ, 6 का भाग दे रहा हूँ। तो देखिए 6 का पहाड़ हम 15 आते तक या 15 से कम आते तक पढ़ते हैं, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18 अधिक हो गया, तो 6 दूनी 12 घटा दीजिए कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तब आप देख रहे हैं कि इसको क्या कहते हैं बेटा, इस 6 को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जल्दी से बताओ, भाजक। इसको क्या कहते हैं, भाजक। इसको क्या कहेंगे हम, भाज्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भाज्य। इसको क्या कहते हैं, भागफल। और इसको क्या कहते हैं हम, शेषफल। ठीक है, ये क्या होते हैं, शेषफल। ठीक, तो क्या होता है कि जब हम कोई दो संख्या लिए, मान के चलिए क्या हो गई कि 15 और 6 दो संख्या हो गई, और इसमें हमने देखे कि अगर मैं 6 का 15 में भाग दे रहा हूँ, है ना, 15 में 6 का भाग दे रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि मेरे पास भागफल 2 आता है और शेषफल कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। तो क्या इसको आप ऐसे ना लिखते हुए ऐसे लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं कि 15 कब आ रहा है, 15 मैं 6 में 2 का गुना कर दूंगा, तो 6 दूनी 12, 6 में 2 का गुना करूंगा, धन इसमें कितना जोड़ रहा हूँ, 3 जोड़ रहा हूँ, तभी तो 15 आ रहा है, तभी तो क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। तो क्या हो गया यहाँ पर कि मिला क्या अपने को, 15 = 6 × 2 = 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यदि मैं यही दो संख्या कुछ ऐसी ले लेता, मान के चलिए 12 और 6 ले लेता, मतलब कि 12 में मुझे 6 से भाग देना है। ठीक है, तो भैया देखो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, घटा दीजिए तो यहाँ पर शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप क्या कह सकते हैं कि 12 लाने के लिए क्या काम करेंगे कि आपको क्या काम करना पड़ेगा, 6 × 2 करना पड़ेगा, और शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया। तो आप ये कंडीशन आपको क्लास 4th से आप पढ़ते आए हैं, ये कंडीशन समझ में आ रही है कि नहीं, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल धन शेषफल, ये कंडीशन पढ़ते आए हैं आप। देखिए इसमें भी क्या हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल धन शेषफल, शेषफल। इतनी बात समझ में आ गई। तब आप क्या कहेंगे कि यदि शेषफल 0 नहीं आता, शेषफल 0 नहीं आता, तब ये कंडीशन होती कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल धन शेषफल। लेकिन यदि शेषफल 0 हो जाए तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, अब शेषफल तो 0 हो गया ना, जब शेषफल 0 हो जाता है तब आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो दी वाले ये जो दिए रहते हैं, जो वैल्यू आती है, जो टूट करके वैल्यू आती है, मतलब कि 12 = कितना हो गया, 6 × 2 हो गया, मतलब ये 6 और ये जो 2 है बेटा, ये क्या होते हैं, 12 के क्या हो जाते हैं बेटा, क्या कहलाते हैं, 6 और 2, हम लिख सकते हैं कि 6 व 2 क्या है, वह 2 12 के, 6 यहाँ लिख देते हैं ऐसा, 6 व 2 12 के क्या है, बोलो जल्दी से क्या होंगे, इसके गुणनखंड होंगे, क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। ठीक है, ये गुणनखंड जिसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं, क्लियर है। अब देखिए अगर हम बोलेंगे कि अगर 12 लिखा तो 12 को मैं क्या बोलूँगा, 12 को मैं बोल दूँगा बेटा, 12 जो है वह 6 व 2 का क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, जब ये गुणनखंड है तो ये क्या होगा, गुणज होगा कि नहीं, गुणज। ठीक है, क्या हो जाता है कि 6 व 2 यहाँ पर 12 की गुणज है, क्योंकि देखो 6 के पहाड़े में भी 12 आता है और 2 के पहाड़े में भी 12 आता है, तो 6 और 2 क्या हो गए, 12 के गुणनखंड हो गए, और 12 किस क्या है, 6 व 2 का क्या हो जाता है, गुणज हो जाता है। ठीक, देखिए ऐसे अगर मैं बात करूँ कि अगर मैंने बोल दिया कि अगर मेरे पास 10 हो गया, 10 = तो हम कहेंगे कि 2 × 5 या 5 × 2, तो देखो ना यहाँ पर शेषफल कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा ना, अगर मैं 5 से भी डिवाइड करता हूँ 10 को तो शेषफल नहीं बचेगा, और 2 से भी डिवाइड करता हूँ तो शेषफल नहीं बचेगा, मतलब कि आप कह सकते हैं कि 2 व 5 क्या है, 2 व
दो व पाँच दस के क्या है के गुणन खंड है। तथा अगर हम ये बात कहें कि जो ये दस है, दस दो व पाँच का, दो व पाँच का क्या हो जाएगा बेटा, एक गुणज हो जाएगा। ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास सिक्स से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। वैसे तो अब आपने देखा होगा कि एक अभी जो आपका एनसीईआरटी चालू हुआ है ना, एनसीईआरटी चालू हुआ है ना, तो उसमें आपने क्लास जो फिफ्थ है, ठीक, तो क्लास फिफ्थ के जो चैप्टर नंबर जहाँ तक थ्री में है, ठीक है, गुणज और गुणनखंड, यानी कि मैं तेरा गुणज तू मेरा गुणनखंड, तो उस चैप्टर के अनुसार भी आप देखेंगे तो इसको पूरा समझा दिया गया है। तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं और डिटेल क्या बताना यार इसमें, तो मैं आपको शेषफल प्रमेय बता रहा हूँ, तो शेषफल प्रमेय के अनुसार ही कंडीशन होती है, ठीक। अब आपको एक बात देखनी है कि यदि है ना कि क्या क्या कंडीशन होगा, आपको याद रखना है कि अगर हम ये कहेंगे कि भाजक, ठीक है, अगर भाजक की घात है ना, भाजक की घात किसके, देखो ना ध्यान से, अगर मैं सॉरी भाजक बोल, यहाँ भाज्य ले देते हैं ना, भाज्य की घात इज ग्रेटर देन इक्वल टू भाजक की घात है ना, भाजक की घात, तब बेटा जो पॉलिनोमियल्स होता है, मतलब कि क्या होता है, हाँ बोलो ना, पॉलिनोमियल्स को क्या कहते हैं, बहुपद है ना, तो अगर हम बहुपद में बहुपद का भाग दे रहे हैं, क्या हो गया, बहुपद भागित बहुपद, तो इसका जो आंसर आएगा वो बहुपद ही होता है। लेकिन यदि अगर भाज्य की घात अगर छोटी हो जाती है, किसकी घात से, भाजक की घात से, तो आपको याद रखना बेटा कि बहुपद बटे बहुपद क्या हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू बहुपद, ये बहुपद नहीं होगा। क्लियर, इतनी बात आपको याद रखनी। क्या बोला मैंने, देखो कि अगर मैंने ये कहा कि अगर ये मान के चलिए 3x² अपॉन ये x कहा, देखो ना जो अंश है, ये जो ऊपर वाला बहुपद है, इसकी घात अधिक है, देखो इस ग्रेटर देन भाज्य की, जो हमने क्या कहा कि भाज्य की घात, मतलब इसकी घात अधिक है इसकी घात की अपेक्षा, अगर कैंसिल आउट करता हूँ तो हो जाएगा बेटा 3x, और जब मैंने इसको अगर कैंसिल आउट किया तो ये 3x मतलब एक बहुपद ही आया। अब देखिए ना कि अगर मैंने ये कहा कि यहाँ पर x कर दिया अपॉन 3x² कर दिया, देखो अब भाज्य की घात कम हो गई और भाजक की घात अधिक हो गई, तो क्या कहेंगे, इज इक्वल टू, अब देखो ना ध्यान से इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, x से x² कैंसिल हो जाएगा तो 1/3x होगा, इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे बेटा 1/3x^-1, और ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। जब बहुपद नहीं है ये, तो बात समझ में आ रही है आपको कि इस कंडीशन के अनुसार क्या होगा कि यदि भाज्य की घात अगर भाजक की घात की अपेक्षा में बराबर हो जाए या बड़ी हो जाए तो हमको बहुपद प्राप्त होता है, यदि भाज्य की घात भाजक की घात से क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो हमें बहुपद प्राप्त नहीं होता। ये बात याद रखनी, इतनी बात समझ में आ गया सभी को। अब देखिए एक बात और बच गई हमारे पास, अब मैं क्या कहता हूँ कि यदि हमारे पास कि बहुपद एस टर्म का गया, मतलब बहुपद जो है वो अभी हमने यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो बहुपद था इस, यहाँ थोड़ी सी यहाँ बात और समझना है कि जो बहुपद है वो एक टर्म वाला एक पदी है, ये कैसे एक पदीय बहुपद की बात की हमने यहाँ पर, किसकी बात कही है, एक पदीय बहुपद की बात की है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा बहुपदीय बहुपद की, तो कैसे हो जाएंगे, मान के चलिए 3x² + 9x + 2 / x - 3, अगर हमने कहा कि 3x² + 9x + 2 / x - 3, हमने ये कह दिया, तो देखिए अब इसका आंसर बहुपद होगा या नहीं होगा, है ना, इसका अगर आप भागफल देखेंगे तो बहुपद होगा या नहीं होगा, इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए एग्जाम्पल नंबर सेवन क्या दिया हमारे पास कि 3x^4 - 4x³ - 3x - 1 को x - 1 से भाग दीजिए, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे हल करेंगे, ठीक है बच्चों, अब देखिए भाग देने वाली बात, अभी मैंने बताया था आपको कि अगर अंश में जो बहुपद है वो बहुपदी है और हर का भी बहुपदी है, तो अब देखते हैं इसमें क्या होने वाला है कि इसका आंसर एक बहुपद होगा या नहीं होगा, ठीक। तो देखिए अब इसको कैसे हल करेंगे, तो हो जाएगा x - 1 / क्या हो जाएगा अभी 3x^4 - 4x³ - 3x - 1, ठीक। अब देखो x-1 से डिवाइड करूँगा, अब देखो ना कैसे डिवाइड करते हैं, थोड़ा ध्यान समझना,
ठीक। अब क्या हो जाएगा कि इस एक्स में, इस वन को तो भी छोड़ दो, इस एक्स में ऐसी किस राशि का मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x^4 होना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 3x^3 का अगर आप मल्टीप्लाई कर दे तो देखो ना, x into x^4, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर क्या होता है कि m^n, या आप ये कह सकते हैं कि a^n = a^m + n होता है, मतलब आधार समान होने पर गुना में खाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। इतनी बात क्लियर है? तो मैं क्या कहूँगा कि इस दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x^4 होगा। अब देखो ये माइनस वन का अगर मल्टीप्लाई यहाँ करता तो माइनस, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 × 1 = 3x^3। आप इसको क्या कर देंगे, अब माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, जब ये माइनस होगा तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या होने वाला है, प्लस हो जाएगा, तो इसका कोई काम नहीं रहेगा। देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। अब देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो घर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या के आगे का मैं क्या लगा दूंगा, चिन्ह लगा दूंगा। तो कितना आ गया ये हो जाएगा बेटा x³ होगा। अरे चार में से तीन गया तो एक ही तो बचता है। ठीक है, तो अब पूरे लिख दो -3x - 1। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अब क्या काम करना है मुझे कि यहाँ x³ लाना है। तो यहाँ पर x में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करूँ कि x³ हो जाए, तो x में x² का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखो ना, अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है तो यहाँ नेगेटिव लाना पड़ेगा, तभी तो नेगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा। इतनी बात क्लियर? तो मैं क्या बोलूँगा बेटा कि देखो x के, देखो यहाँ पर मैं बोलूँगा x माइनस, है ना, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, तो ये माइनस कर दूँ। यहाँ पर क्या होगा, प्लस आर माइनस माइनस x³। अब वन का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस, अब 1 × x² तो ये हो जाएगा x². ठीक है, अब क्या कर दीजिए, प्लस हो जाएगा और ये क्या होगा, माइनस, चिन्ह बदलते हैं कि नहीं, ये कोई काम के नहीं रहे। ठीक है, मैं गोला लगा दिया, देखो इससे ये कट गया क्योंकि ये निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव, ये निगेटिव। अब ध्यान से देखो ना, ये x² था ही नहीं, तो मैं पहले माइनस में दिया है ये, तो माइनस x² कर दूँ, इसको निगेटिव हो चुका है, ये -3x बच गया और ये -1 बच गया। क्लियर? ये कोई काम का नहीं था, तो हम इसको यहाँ से क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। ठीक, अब क्या होगा, फिर से माइनस आया तो मैं यहाँ पर माइनस लिख दूँ सीधे, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव होना चाहिए, ये निगेटिव हो जाएगा। अब देखो अगर x लिखेंगे तो x² हो जाएगा, x into x, x². ठीक, माइनस माइनस प्लस, 1 × x, x होगा ओनली। अब क्या कर दीजिए, इसको प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे। देखो ये कट गया, कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखो -3x - x कितना होगा, -4x, और कितना हो जाएगा, -1। ठीक, अब किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो ये माइनस, अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 x - 4 -4x हो जाएगा, और देखो माइनस माइनस प्लस, और कितना हो जाएगा, 1 × 4 हो जाएगा। अब देखिए प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ठीक है, ये कोई काम के चिन्ह नहीं बचे, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये कितना होगा, -5। अब शेषफल कितना आ गया, -5 आया, शेषफल कितना आ गया मेरे पास, -5 आया। तब आप ध्यान से देखिए अच्छे से, तो इसका जो आंसर हो रहा है कितना हो रहा है, शेषफल कितना हो रहा है, -5 हो रहा है। जब शेषफल -5 हुआ तो इसमें बहुपद देख लो, ये बहुपद कैसा हुआ इसका, बोलो जल्दी से, ये जो आपका भागफल है वो क्या हुआ, बहुपद है कि नहीं, यस बहुपद हो गया, जो शेषफल सॉरी भागफल क्या हो गया अपना, बहुपद हो गया। अब इसमें शेषफल कितना है, 5, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भागफल कितना है, भागफल हो जाएगा आपका, भागफल 3x³ - x² - x - 4, और शेषफल क्या हो जाएगा बेटा, शेष क्या बच गया हमारे पास, बच गया -5। ये इसके क्या होंगे आंसर, क्योंकि इसने बोला था हमें भाग दीजिए, तो हमको भागफल और शेषफल ज्ञात करना था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के सॉल्यूशन की। ठीक है, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।